अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, आज के हमारे दिन की शुरुआत हो रही है शॉपिंग के साथ में। तो यहाँ पर अभी है ना, अपी के साथ में मैं आ गई थी और मेरी जो सिस्टर है उसकी शादी नज़दीक है अभी। तो हमारे में ऐसे होता है ना कि फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और भी जो भी रहते हैं, तो सबको ना कपड़े वगैरह गिफ्ट करने रहते हैं। तो अपी आ जाए थे मेरे साथ में, जितने भी मतलब है ना जेंट्स वगैरह है उन लोग के लिए ना कुर्ते पैजामे लेने और किसी के लिए शर्ट पैंट वगैरह लेनी थी। तो वो जीन शर्ट वगैरह तो रेडीमेड तो भाई ऑर्डर कर लेगा, और कुर्ते पैजामे तो वो अपी को इतना आइडिया नहीं रहता है ना, तो इसके लिए हमारे साथ में आए थे। और ये भाई ने ना काफ़ी सारे हमें डिज़ाइंस कलर्स वगैरह बहुत सारे हमें दिखाए थे, लेकिन है ना हमें इतना कंफ्यूज हो रहा था ना कि हम कौन सा लें कौन सा नहीं। और लेटेस्ट में भी बहुत सारे डिज़ाइंस इनके पास में आई हुई थी। और मैं वीडियो की स्पीड इसके लिए ज़्यादा करती हूँ ना, ताकि आप एकदम स्लोली देखोगे तो आपको भी बोर होगा देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने ना बहुत सारे, हमको कुछ पसंद भी आया तो हमने वो भी पैक करवा दिए थे। ये वाला तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, एक ये और एक पिस्ता कलर का था। ये दो तो मुझे ना बहुत पसंद आए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कैमरे में इसका इतना क्लियर नहीं लग रहा है लुक वगैरह, लेकिन नज़दीक से इसका कलर है ना, ये आप देख सकते हो, बहुत ही माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था ना, मुझे बहुत पसंद आया था। और इसी के साथ में ना हमने अभी सारे जो भी हमारे लेने थे कुर्ते पैजामे, तो सब हमने फाइनल करके कटिंग करवा रहे हैं अभी भैया से। और है ना, इसके साथ में हमने उनसे कहा था कि हमें पिक्चर्स वगैरह भी साथ में दे दीजिएगा और अच्छे से गिफ्ट पैक करके दीजिएगा। अभी तो हमें घर पे भी जाने के बाद में जब हम पैकिंग करेंगे तो उस टाइम भी हम अच्छे से पैकिंग कर लेंगे इसकी, लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी तय ख़राब नहीं हो, घड़ी ख़राब नहीं हो, तो इसके लिए हमने कहा था कि इन्हें ना अच्छे से हमें पैक करके दीजिएगा, बिकॉज़ अभी गिफ्ट वगैरह करना है ना हमें, तो उसकी वजह से। और हम ना अभी शाम के वक्त में आए थे, तकरीबन हो रहे थे यहाँ पर 4 बज रहे थे, शाम होने ही वाली थी। और ये देखिए पूरा मार्केट है ना अभी खाली था, हमने सोचा चलो ये टाइम आ जाएंगे, बाद में आएंगे ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा गर्दी मिल जाएगी यहाँ पर। और जोहेब को भी मैं साथ में लेकर आ गई थी, ये देखिए इन्होंने कैसे पैकिंग वगैरह करके हमें दे दिए हैं। और जोहेब भी हमारे साथ में ही आ गया था, क्योंकि घर पर ना हस्बैंड भी बाहर गए हुए थे काम से, साइट पर थे, और जैन भी स्कूल गया हुआ था, तो मैंने इसके लिए सोचा चलो उसे साथ में लेकर आती हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए ये सारे हमारे कुर्ते पैजामे फाइनल हो गए हैं। और इसके बाद में अभी हम आ गए थे दादी के लिए कपड़े देखने के लिए, बिकॉज़ दादी अभी गाँव से आएंगे तो फ़ौरन उनका कपड़ा हमें सिलाना रहेगा। तो इसके लिए अभी है ना हम दादी के लिए भी पहले से लेके रख रहे हैं कपड़े। दादी को ना पाकिस्तानी वगैरह जो होते हैं ना, नेट वगैरह के मटेरियल है, और उसके बाद में ज़्यादा एकदम हैवी भरे होते हैं, वो दादी को बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं। उन्हें ना सिंपल चाहिए था और कॉटन मटेरियल में चाहिए, तो हम वही देख रहे हैं। और भैया ना हमें इतने डार्क डार्क कलर दिखा रहे थे, हमने उन्हें मनाई किया कि ऐसे कलर बिल्कुल भी मत दिखाइए, ये एकदम ऐसे टिपिकली टाइप लग रहा था कि है ना, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कलर। कोई लेने वालों को पसंद हो तो वो ले सकते हैं, लेकिन जैसे एक एज के हिसाब से होता है ना कि दादी नानियों के हिसाब से, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। और एक ये हमें थोड़ा ठीक लगा, सिंपल था। आप भी मना कर रहे थे, बोले कि नहीं दादी ऐसा पहनेंगे नहीं, लेकिन छोटी सिस्टर ने बोला नहीं मम्मी हम फोर्स कर लेंगे दादी को पहना देंगे बोल के, क्योंकि है ना अभी थोड़ा कुछ हल्का फुल्का तो रहनी चाहिए डिज़ाइन एटलेस, बिकॉज ओकेशन है अभी, शादी वगैरह है घर की। और ये वाला भी देखिए काफ़ी ज़्यादा ना इन्होंने भरे हुए जैसे बता रहे थे। और हमने अभी ना यहाँ ऊपर एक डिस्प्ले पे लगा हुआ था पीस, ये बहुत अच्छा लग रहा था, कलर भी इसका लाइट था, डिज़ाइन भी एकदम सिंपल एंड सोबर जैसे लग रही थी, और मटेरियल भी इसका एकदम सॉफ्ट मटेरियल था जैसे, तो बहुत अच्छा लगा हमें। दुपट्टा भी देखिए आप एकदम सिंपल था। तो ये हमने एक फ़ाइनल कर लिया, एक ये येलो कलर का फ़ाइनल किया। और मैंने जो स्टार्टिंग में आपको एक येलो दिखाई थी मेहंदी टाइप में, वो हमने ले लिए है। और इसी के साथ में एक और देख रहे थे कि थोड़ा अलग कलर कुछ रहे, और ये भी एक अच्छा लग रहा था, ये भी सिंपल ही था। और दादी के लिए ना हमें शादी वलीमा हल्दी मेहंदी ऐसे पूरे लेने थे, 4 से 5 ड्रेस लेने थे। तो ये अभी हमने एक ये वाला फ़ाइनल कर लिए हैं, एक जो नीचे क्रीम कलर का रखा है स्टार्टिंग में हमने लिए थे वो एक फ़ाइनल किए हैं। और इसी के साथ में ना एक और येलो कलर का हमें चाहिए था, ये दिखा रहे थे, लेकिन ये थोड़ा ना हैवी में जैसे था, नेट वगैरह का था, तो अभी वही देख रहे हैं। अभी ये तो कह रहे थे कि ना ले लो, इतना ज़्यादा मतलब इसकी नेट है ना ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट मटेरियल में ही है, तो इसके लिए ना अपी ने फाइनल कर लिए कि चलो ये ले लेते। तो ये देखिए ये वाला एक ले लिए है, अच्छा लग रहा था काफ़ी ये भी। और इसी के साथ में ना यहाँ पर एक क्रीम कलर का लिए, और एक और ये जो मैंने आपको बताई थी ना ये मस्टर्ड कलर में, ये वाला एक अच्छा लग रहा था, ये एक ले लिए हैं, एक ये वाला लिए है। तो ये 4 ड्रेस ले लिए है, और एक और अभी डिसाइड कर रहे थे कि जैसे हमें ना कभी रस्म के लिए भी जाना हो, शादी के बाद में दावत वगैरह होती है, तो ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था,
तो ये है ना, आपी को मैं कह रही थी कि ये वाला ले लो, ये शादी में पहनाने के लिए अच्छा लगेगा। ये भी नेट का ही था, लेकिन ये भी ना सॉफ्ट मटेरियल था, अच्छा लग रहा था। तो ये सारे ड्रेसेस है ना अभी फाइनल हो गए हैं हमारे, तो टोटल 5 ड्रेस हमने ले लिए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से दादी की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, बाकी की जो चूड़ियाँ वगैरह रहेगी, सैंडल्स रहेंगी, वो दादी के आने के बाद में हम उनके साइज़ के हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि उन्हें ना पहन के चेक करते हैं, कंफर्टेबल लगना चाहिए दादी को। तो ये देखिए सारे हमारे ड्रेसेस हो रहे हैं अभी पैक, पूरे हमने 5 ड्रेस यहाँ पर ले लिए थे और ड्रेसेस सारे अच्छे लग रहे थे। और इसी के साथ में ना अभी सैंडल्स देखने के लिए हम आए थे। खैर मेरी सिस्टर्स वगैरह ने जिसकी शादी थी ना, तो उन्होंने ज़्यादा शॉपिंग तो यहाँ से वैशाली से उन्होंने नहीं की है, पूरी शॉपिंग उनकी ना बॉम्बे से और मलाड वगैरह से हुई है। और सब है ना ज़्यादातर है ना स्टोर वगैरह में ना वीडियोज़ लेना अलाउ नहीं करते हैं, इस वजह से ना हम वीडियो नहीं लिए थे। हमने जो नॉर्मली हमने लोकली शॉपिंग करी थी तो उसकी वीडियो लिए थे। ये भी फिर भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे थे। यहाँ भी आप सैंडल्स की वैरायटी देख सकते हो, डिज़ाइंस वगैरह भी थी, अच्छी लग रही थी, प्राइस भी रिजनेबल थे। तो मैं मेरी सिस्टर को कह रही थी कि यहाँ से भी ले लो, रेगुलर जैसे यूज़ करना रहे ना, घर के पास में कहीं मार्केट जाना हो या फिर नॉर्मली, तो वही अभी हम उसे कह रहे थे कि ना ले लो थोड़ा ऐसे जैसे जाना रहे आपको बाहर वगैरह में, तो अच्छा लग रहा था। और बाकी ज़्यादा शॉपिंग्स तो उन्होंने मलाड से और बॉम्बे वगैरह से, किंग सर्कल से ही करी हुई है। मैं तो जोएब छोटा था तो मुझे जाना मुनासिब नहीं हुआ, और भाई के साथ में ये लोग चले गए थे, सिस्टर्स है ना भाई के साथ में शॉपिंग करने के लिए चले गए थे कार से, बिकॉज है ना जैन के एग्ज़ाम्स भी थे, तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो मैं अभी थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ जाना, क्योंकि इतनी दूर जाना, मॉर्निंग में निकलो और रात में आओ, तो जैन की ट्यूशंस वगैरह रहेंगी सब रहेगी, तो मैंने तो नहीं मतलब जा पाई थी साथ में। तो ये वाली जो शॉपिंग है मैं ये आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो नॉर्मली हमने वैशाली से करी थी। और यहाँ पे देखिए आपको अगर कुछ और रेगुलर के भी हिसाब से लेना हो तो वो भी अच्छा लग सकता है। और यहाँ पर से हम ना थोड़े बहुत बैग्स वगैरह देख रहे थे, हैंड पर्स वगैरह, तो 2-3 है ना हमें अच्छी लगी थी, लेकिन इसके प्राइस है ना उन्होंने बहुत हाई रखे हुए थे, 1500-1800 ऐसे इसके प्राइस थे। और यही पर्स हमने ना बॉम्बे से लेकर आए थे तो हमें 1200 में मिली थी, और मैंने भी लेके आई थी, और मेरी सिस्टर भी मुझे बता रही थी कि दी मैंने भी बॉम्बे से लेकर आई तो मुझे है ना 1200 की 1400 की मिली थी। और ये वाली हमने फाइनली ले लिए हैं, तो ये हमें इन्होंने 1600 में दिए थे, इसका मटेरियल भी अच्छा लग रहा था और लुक भी अच्छा था, तो ये वाला एक उन्होंने ले लिया है। और इसी के साथ में ना मुझे याद आया कि टिश्यू पेपर वगैरह लेने थे और डस्टबिन के लिए बैग्स वगैरह भी लेने थे मुझे, तो वो भी अभी हम देख रहे हैं। और वहाँ से लेने के बाद में अभी हम यहाँ पर आ गए थे बेडशीट के शॉप पर, और बेडशीट्स तो है ना ज़्यादातर हमने डीमार्ट से ली हुई है। डीमार्ट की ना अप्पी और हम सबको ना बेडशीट वगैरह वहाँ की बहुत अच्छी लगती है, ब्लैंकेट भी वहाँ की एकदम सॉफ्ट रहती है। और इसी के साथ में हमने बॉम्बे से भी बेडशीट वगैरह ले लिए थे, और यहाँ से हमें ना नॉर्मली जैसे ले रहे हैं जैसे डेली के हिसाब से, डेली में मतलब हमें लगाना रहे बेडशीट वगैरह, तो उसके हिसाब से हम देख रहे थे। और इसके प्राइस है ना 500-700 ऐसे थे। तो यहाँ से हमने 3 बेडशीट ली, एक ये वाली अच्छी लगी थी और एक ये वाली हमने ली है, ये 450 की इन्होंने दिए थे, डबल बेड की है, और ये वाली हमने 700 में ली है, 700 या 800 में समथिंग उन्होंने दिया था। और इसी के साथ में ना यहाँ पर ऊपर देखिए ब्लैंकेट वगैरह भी रखी हुई है, तो ब्लैंकेट तो हमने नहीं ली खैर, क्योंकि ब्लैंकेट ऑलरेडी है ना लेकर आ चुके थे अपनी, और गलीचा चाहिए था तो ये वाला ले लिए थे, ये भी अच्छा लग रहा था गलीचा। तो ये इसके भी ना प्राइस अच्छे रिजनेबल थे, 1500-1200 ऐसे प्राइस थे इसके। तो यहाँ पर हमने ये गलीचा ले लिए है, और ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन है ना अपी को ब्राउन कलर पसंद आया ज़्यादा, उन्होंने कहा कि ब्राउन कलर अच्छा लग रहा है, तो ब्राउन में उन्होंने ले लिए, नज़दीक से ब्राउन अच्छा लग रहा था वाकई में। और इसी के साथ में ना जानमाज चाहिए थी, इनकी ना जानमाज बहुत अच्छी रहती हैं, जो वेलवेट में आती है ना काफ़ी झाड़ा मटेरियल रहता है इसका, जैसे हम ना उमरा गए थे उमरा से लेकर आए थे, सेम ऐसे ही मटेरियल इसका होता है जानमाज का, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये वाला एक अच्छा लग रहा था, हमने सोचा चलो मरून कलर है, ब्राइड को देना रहे दुल्हन को तो मरून कलर अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ऊपर कर्टन वगैरह भी थे डोर के विंडो के, तो कर्टन लेने थे तो वो भी हमने ले लिए, यहाँ पर ये वाला कलर अच्छा लग रहा था कर्टन का, तो ये भी हमने फाइनली ले लिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ना हमने यहाँ से भी थोड़ी शॉपिंग कर ली है, नॉर्मली किए लेकिन फिर भी अच्छी खासी करी, और बीच में तो मैं आई नहीं थी, अप्पी वगैरह भी आकर यहाँ से गए थे, और ये एक बेडशीट अच्छी लग रही थी लास्ट में, तो उन्होंने कहा कि ये वाली भी एक ले लेते हैं। तो टोटल हमने यहाँ से ना 3 बेडशीट ले ली थी, ये वाली भी हमें कुछ 400 या 450 समथिंग दिया था उन्होंने। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर अभी हम आ गए थे थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के लिए, और अम्मी भी आ गए थे,
तभी हम सब जा रहे हैं नाश्ता करने। यहाँ पे हमें ना ये चिकन बैदा रोटी होती है ना, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, अच्छा लगता है। इसका अंदर का जो फीलिंग होती है ना वो भुना टाइप रहती है। और इसी के साथ में हमने यहाँ पर चिकन चीज़ है ना पिज़्ज़ा लिए हुए थे, और बच्चों के लिए ना फ्राइज़ वगैरह थी। बच्चे तो मतलब कोई आए नहीं थे, नॉर्मली आलिया थी तो उसके हिसाब से हमने फ्राइज़ लिए थे और जूस लिए थे हमने कॉकटेल में। मुझे ना कॉकटेल यहाँ का बहुत पसंद आता है। और इसके बाद में आ गए थे नेट वगैरह लेने के लिए। अप्पी को ना 2-3 ड्रेस की नेट लेनी थी, सिस्टर को भी लेनी थी, तो वही अभी आ गए थे नेट देखने के लिए। यहाँ पर इनके ना नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हम अक्सर करके यहाँ से लेके जाते हैं। और अम्मी हैं, सिस्टर्स वगैरह भी यहाँ से ज़्यादातर लेते हैं, तभी वही नेट देख रहे थे। ये वाली उन्हें पसंद एक आई थी तो ये वाली फाइनली ले लिए। और इसके बाद में हमें ना रात में चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए नेचुरल आइसक्रीम पार्लर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।